तो गाइस आज अपन लोग बात करेंगे एक बीएमएस डॉक्टर और एक एमबीबीएस डॉक्टर का जो सैलरी होता है वो कितना होता है। वैसे तो गाइस देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपका जॉब लगता है तो अगर बीएमएस डॉक्टर हैं आप तो आपका सैलरी 25,000 रहता है। स्टार्टिंग में 25,000 रुपये रहता है, बाद में फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। और अगर आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 50,000 से 60,000 रुपये दिया जाता है मंथली। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप बीएमएस करके आते हैं तब होता यह है कि आपको लगता है कि एकदम से जॉब मिल जाएगा, बट बीएमएस वाली लाइन में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ता है और एमबीबीएस वाली लाइन में स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ध्यान तो दोनों पे दे रही है पर एमबीबीएस जो है उसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा कर दी है और जो बीएमएस है उनका वैल्यू थोड़ा सा कम कर दिया। वैसे तो दोनों का, बहुत से स्टेट में दोनों का सैलरी जो है पे स्केल जो है बराबर ही है, बट कहीं कहीं पे अभी नहीं है और आगे चल के गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी तो सब सही हो सकता है। तो गाइस होता यह है कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तब उस टाइम भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर आप जब हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं स्ट्रगल तो वहाँ पे भी रहता है, क्योंकि जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब तक आपको एक अच्छा सैलरी का पैकेज नहीं मिलेगा। जब स्टार्टिंग में आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो आपको 7,000 से 8,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये तक मिलता है बीएमएस करने के बाद, और एमबीबीएस करने के बाद भी वैसे ही रहता है 10-12,000 या फिर 15,000 रुपये मैक्सिमम। होता यह है कि इस फील्ड में जब आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा सैलरी मिलने का इसमें पॉसिबिलिटी रहता है।